भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है। देश के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के अधिकार की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से किया जाता है। अल्पसंख्यक नागरिकों के प्रति होने वाले भेदभाव एवं शोषण के प्रति संरक्षण प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के माध्यम से देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी उन्हें समुचित अधिकार प्रदान करना आवश्यक है। भारतीय संविधान द्वारा देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा देश के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है एवं सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा एवं लिपि के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 29 एवं अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं इनके प्रबंधन हेतु अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है।